तो दोस्तों आज बनाएंगे आधा कप गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी कुरकुरा नया नाश्ता। एक बार ही नाश्ते को बनाकर खाएंगे। पिज्जा बर्गर समोसे कचौड़ी भी फीके लगेंगे और एक बार जिसे भी बनाकर खिलाएंगे वो तारीफ ही करेंगे। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो पूरे परिवार के लिए बनाएं टेस्टी हेल्दी नाश्ता और इसे बच्चों के लिए टिफिन भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को क्यों ना बनाया जाए। रेसिपी मेरी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक करें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस नाश्ते को बनाने के लिए लेना है एक कटोरी, उसमें लेंगे आधा कटोरी गेहूं का आटा और एक बाउल में डाल लेंगे। और इसी कटोरी से लेनी है सूजी, तो ये टेस्टी और एकदम कुरकुरा नाश्ता बन सके इसके लिए सूजी या चावल का आटा भी ले सकते हैं। और सूजी को जब लेंगे अच्छी तरह से चाल कर लेंगे और इसमें डालेंगे आधा कटोरी से थोड़ा सा कम बेसन। तो बेसन डालने से नाश्ते का स्वाद बढ़ जाएगा। और इसमें डालेंगे 2 चम्मच के लगभग बारीक कटे हुए प्याज, 1 प्याज के लगभग हैं, और आधा कटोरी डालेंगे बारीक कटे हुए पत्ता गोभी। इसमें आप अपनी मनपसंद सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच के लगभग डालेंगे बारीक कटे हुए गाजर और 2 चम्मच डालेंगे बारीक कटे हुए शिमला मिर्च। 2 से 3 पीस बारीक कटे हुए हरी मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स, तो ये छोटे वाले चम्मच से डालेंगे। इसमें आप अपने रिकॉर्डिंग तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच डालेंगे गोलकी पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे वाइट तिल, तो तिल डालने से भी इसका स्वाद बढ़ जाएगा। और यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर जिससे थोड़ा सा कलर आए। और अब इसमें डालेंगे पानी, तो इसमें एक बार में पानी नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर एकदम गाढ़ा घोल बनाना है इसका। तो यहाँ पर चम्मच से या फिर हाथों से इसे मिक्स कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स करने में कम तो 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। और बीच बीच में इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और इसे मिक्स करते हुए एकदम सॉफ्ट डो की तरह बना लेना है। और यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं, तो अब 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो सके। अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगा कर और इसमें से थोड़ा सा बेटर को हाथों में लेकर इस तरह से गोल कर लेंगे। हाथों में तेल लगाने से ये चिपकेंगे नहीं। और यहाँ पर देखिए इसे बड़े बॉल की तरह बना लेने हैं, तो इसे आप चाहें तो किसी प्लेट पे चपटा कर सकते हैं। और यहाँ पर अब एक गैस पे पैन चढ़ाएंगे, पैन को करेंगे गरम और इस नाश्ते को बनाएंगे मात्र 2 चम्मच तेल में। तो यह नाश्ता बहुत ही कम तेल में बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी हेल्दी भी बनेंगे। तो यहाँ पर 2 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को करेंगे गरम। गरम होने के बाद अब इस नाश्ते को डालेंगे इस तरह से। तो इसे मैंने तवे पे ही फैला लिया है और आप चाहें तो किसी प्लेट पे या फिर किसी प्लास्टिक की पन्नी पे भी इस तरह से कर फैला कर इसे बना सकते हैं। तो इसे हाथों से इस तरह से दबा दबा कर थोड़ा सा फैला कर टिकिया की तरह इसे बना लेंगे। तो इसे आप मीडियम या बड़े साइज में बना सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़े से डाल देंगे वाइट तिल और थोड़े से डालेंगे चिली फ्लेक्स और इसे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे एक तरफ और इसे पलट देंगे। उलट पलट करके दोनों साइड से पका लेने हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर भी ज़रूर करें। यहाँ पर ये अच्छी तरह से पक गए हैं, हल्का सा सुनहरा कलर हो गया है, तब इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से सभी को बना लिए हैं और इसे प्लेट में सर्व करेंगे। तो इसे सर्व करेंगे टमाटो केचप के साथ या फिर पुदीने की चटनी या फिर आम की चटनी, किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। इसे एक बार बनाकर खाएंगे तो इसके सामने समोसे कचौड़ी भी फीके लगेंगे और ये टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी है। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं और एक बार खाएंगे तो पूरे परिवार खुश हो जाएंगे, सभी तारीफ करेंगे। और इसे देखिए तोड़ कर दिखाते हैं ये कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। तो इस नाश्ते को झटपट बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। गेहूं के आटे और बहुत सारी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं और एकदम आसानी से बना सकते हैं। तो इसे तोड़ कर दिखाते हैं, इसे धीमी आंच में बनाएंगे ना तो एकदम अच्छी तरह से ये पक भी जाएंगे और एकदम कुरकुरे भी लगेंगे। तो इस तरीके से बनाकर बच्चों के लिए टिफिन भी तैयार कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।